गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा सेमेस्टर फाइव का एक सब्जेक्ट है जो है, और आप जैसे कि देख सकते हैं नेम ऑफ द सब्जेक्ट है आपका माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। सो इन दिस सब्जेक्ट आपको क्या क्या देखना है, व्हाट यू वांट टू स्टडी, द स्टडी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर means how to architect microprocessor, their software and interfacing techniques leads to the understanding of the working of CPU in a microcomputer. Okay, the development in microprocessor of 32-bit architecture brings the student face to face with the mainframe, enabling them to get employment in R&D, that is nothing but research and development, assembling, repair and maintenance of hardware of microprocessors and computers. Microprocessor finds application in process control industry. ठीक है, जितने भी आपके प्रोसेस कंट्रोल इंडस्ट्री है वहां पे क्या है इसका यूज है आपका माइक्रोप्रोसेसर का जो है। दे ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीकम्युनिकेशन। दस द माइक्रो प्रोसेसर इज एन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिलेटेड इंजीनियरिंग ब्रांचेस ऑफन यूज माइक्रोप्रोसेसर टू इंट्रोड्यूस प्रोग्रामेबल कंट्रोल इन दैट प्रोजेक्ट इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ठीक है, लर्निंग आउटकम क्या है आपका जो है आफ्टर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट, आफ्टर अंडरगोइंग द सब्जेक्ट द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम, डिस्क्राइब आर्किटेक्चर एंड पिन डिटेल्स ऑफ 8085। ठीक है, राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम यूजिंग नैनो मोनिक्स। इसका क्या मीनिंग होता है मैनोमोनिक्स का, मतलब आपके जो इंटरनल मेमोरी से है उसी से आपको क्या करना है प्रोग्राम जो है आपकी जो भी लैंग्वेज होगी इसको क्या करना है राइट करना है जो है। देन आपका इंटरफेस वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस विथ माइक्रो प्रोसेसर, जो आपकी बहुत सारी जो माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो पेरिफेरल डिवाइसेस है जो उसकी हेल्पिंग डिवाइसेस है, दैट इज वी गोना स्टडी। देन नेक्स्ट आपका यूज वेरियस डाटा ट्रांसफर टेक्निक्स, डिस्क्राइब आर्किटेक्चरल एंड पिन डिटेल ऑफ 8086। देन नेक्स्ट आपका डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ एडवांस माइक्रो प्रोसेसर लाइक पेंटियम सीरीज एंड डुअल कोर, जो आपके एडवांस इस समय के जो आपके माइक्रो प्रोसेसर है उसके बारे में कुछ डिटेल में देखेंगे जो है आपको देख लेते हैं डिटेल कंटेंट आप इसमें क्या है जो है। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम एंड फंक्शन ऑफ इट्स वेरियस ब्लॉक्स, माइक्रो प्रोसेसर इट्स इवोल्यूशन फंक्शन एंड इंपैक्ट ऑन मॉडर्न सोसाइटी। सेकेंड चैप्टर आपका क्या है आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर विथ रेफरेंस टू 8085 माइक्रो प्रोसेसर, जो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है इसका कहते हैं एक तरीके से इन्वेंट मतलब जो भी कब बना था आपका जो है अराउंड 1970 में आपका बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था इंटेल कंपनी द्वारा। ठीक है, इंटेल जो आपकी इंटेल कंपनी है उसके द्वारा क्या किया गया था इसको बनाया गया था जो है, तो उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे जो है। उसमें जो है आपका क्या देखेंगे कंसेप्ट ऑफ बस बस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085, देन फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 एंड फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक, देन आपका पिन डिटेल ऑफ 8085 रिलेटेड सिग्नल्स, डी मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस डाटा बस जनरेशन ऑफ रीड राइट कंट्रोल सिग्नल। डी मल्टीप्लेक्सिंग का आपका मीनिंग होता है बहुत सारे जो आपके डाटा है उसको क्या करना मिक्सअप करना जो है, दैट इज नथिंग बट डी मल्टीप्लेक्सिंग। देन नेक्स्ट आपका स्टेप टू एग्जीक्यूट अ स्टोर प्रोग्राम, देन थर्ड चैप्टर में हम क्या देखेंगे जो है इंट्रोडक्शन साइकिल मशीन साइकिल एंड टी स्टेट फीचर एंड एग्जीक्यूट साइकिल टाइमिंग साइकिल डायग्राम। फोर्थ चैप्टर आपका क्या है प्रोग्राम विद रिस्पेक्ट टू 8085 माइक्रो प्रोसेसर, इन दैट वी गोना स्टडी ब्रीफ आइडिया ऑफ मशीन असेंबली लैंग्वेज,
मशीन एंड मैनोमोनिक कोड्स, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड एड्रेसिंग मोड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एज टू विच एड्रेसिंग मोड दे बिलोंग, कंसेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट, एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स इन एक्सप्लेनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट, देन एक्सप्लेनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट, देन डाटा ट्रांसफर ग्रुप, अर्थमेटिक ग्रुप, लॉजिक ग्रुप, स्टैक, इनपुट एंड आउटपुट, मशीन कंट्रोल ग्रुप, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज इन असेंबली लैंग्वेज. Example can be taken from the list of experiment. Then comes the next chapter, that is fifth one. Fifth one kya aapka memories and input and output interfacing. In that chapter we gonna study concept of memory mapping, then partitioning of total memory space, address decoding concept of peripheral map, input output and memory map, input output interfacing of memory map, input output devices. Then sixth chapter, interrupts, concept of interrupts, maskable and non-maskable, age triggered and level triggered interrupts, then software interrupt, restart interrupts and its use, various hardware interrupts of 8085, service interrupts, extending interrupts system. सेवेंथ चैप्टर आपका क्या है, डाटा ट्रांसफर टेक्निक, जो आपके टेक्निक यूज करते हैं हम लोग डाटा ट्रांसफर के लिए, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल देखेंगे जो है. इन दैट वी गोना स्टडी कंसेप्ट ऑफ प्रोग्राम, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, सिंक्रोनाइज डाटा ट्रांसफर और सिंक्रोनाइज डाटा ट्रांसफर, दैट इज समथिंग अबाउट हैंड शेकिंग, देन इंटरप्ट ड्रिवन डाटा ट्रांसफर डीएमए, दैट इज डायनेमिक मशीन असेंबल. ओके, then next one is serial output data, serial input data. एक चैप्टर आपका क्या है, पेरीफेरल डिवाइसेस के बारे में जो है, कौन कौन सी डिवाइसेस है आपके, 80 255 TPI. then 8253 PIT and 8257 DMA controller. देन आपका नाइन चैप्टर में क्या है, आर्किटेक्चर ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर. 8085 के साथ हम लोग क्या देखेंगे, 8086 माइक्रोप्रोसेसर के बारे में भी देखेंगे जो है, इसका ब्लॉक डायग्राम, मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड क्या है आपके इसके, देन पिन एंड सिग्नल, देन एड्रेसिंग मोड्स, देन आपका नेक्स्ट चैप्टर आया है टेंथ चैप्टर, दैट इज नथिंग बट एडवांस माइक्रोप्रोसेसर. उसमें क्या है आपका, इंट्रोडक्शन टू पेंटियम सीरीज प्रोसेसर कोड, टू ड्यू डुअल कोर, दैट इज नथिंग बट कोर i3 i5 and i7. ठीक है, ये सब्जेक्ट में क्या है आपका, प्रैक्टिकल भी है जो है, आपका थियरी के साथ क्या है प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल में भी आपको क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा जो है. ठीक है, प्रैक्टिकल कौन कौन से आपको करने हैं इसमें जो है, फैमिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट कीज ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर, किटामिक्स मेमरी मैप. ओके, देन आपका स्केप टू इंटर मॉडिफाइड डाटा प्रोग्राम एंड टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम ऑन 8085 किट. देन आपका राइटिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ALP फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 8-bit नंबर. देन नेक्स्ट क्या है आपका, राइटिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ALP फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ 2 8-bit नंबर. देन कम्स नेक्स्ट, that is nothing but writing and execution of ALP for arranging 10 numbers in ascending and descending order. Then here come next, writing and execution of ALP for 0 to 9 BCD counters, that is nothing but up and down counter according to choice stored in memory. Next kya aapka, interfacing. Interfacing is what? Interfacing means interface करना, मतलब दो चीजों को क्या करना आपका, add up करना जो है. Exercise on 8255 like LED display control, then interfacing exercise on 8253 programmable interval timer. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है आपका, इंटरफेसिंग एक्सरसाइज ऑन 8279 प्रोग्रामेबल KB
डिस्प्ले इंटरफेस लाइक टू डिस्प्ले द एक्स कोड ऑफ की प्रेस्ड ऑन डिस्प्ले देन राइटिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट एएलपी फॉर 8086 इन्फो। देन आपका लास्ट वन है ये जनरेशन ऑफ स्क्वायर वेव ऑफ डिजायर फ्रीक्वेंसी यूजिंग 8255। बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है आपको इस सब्जेक्ट के लिए? टोटल आपकी 4 बुक्स अवेलेबल है मार्केट में जो है, एनी कोई भी बुक क्या कर सकते हैं आप इसमें से परचेस कर सकते हैं। जो है फर्स्ट बुक कौन सी आपकी जो है माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन विद 8080 एंड 8085 बाय रमेश एस गांवकर। ये आपकी किसकी ईयर बुक है जो है? विल स्टेन लिमिटेड की है, न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी बुक है आपकी जो है? माइक्रोप्रोसेसर एंड एप्लीकेशन बाय बद्री राम, दैट इज समथिंग बट ये टाटा मैग्रा हिल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की बुक है आपकी, उसकी पब्लिकेशन की है, न्यू दिल्ली जो है। ठीक है, थर्ड बुक कौन सी आपकी? माइक्रोप्रोसेसर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन बाय सुधीर गोयल, दैट इज नॉर्थ पब्लिकेशन। देन आपका फोर्थ वन है, फोर्थ वन कौन सा है? प्रोग्रामिंग सॉरी माइक्रोप्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग बाय गूगल बी हॉल, मैग्रा ये भी मैग्रा हिल की है, हिल हायर एजुकेशन न्यू दिल्ली जो है। इन फोर बुक्स में क्या कर सकते हैं आप जो है, कोई भी एक बुक जो है आप क्या कर लीजिएगा जो है, बाय कर लीजिएगा जो है, एक बुक खरीद लीजिएगा, उसे हम इस सब्जेक्ट को क्या करेंगे देखेंगे जो है। वेबसाइट भी है आपकी, दैट इज स्वयं .gov.in। ये बुक वेबसाइट क्या कर सकते हैं आप, प्रेफर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जो है। ये तो हमारा जो है क्या, ये सिलेबस जो है फिफ्थ सेमेस्टर का जो है माइक्रोप्रोसेसर एंड इट्स पेरिफेरल के बारे में जो है। ठीक है, ओके okay।